फ्रेंड्स बागुन्नारा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। अब तो हमारा जो तेलुगु का वीडियो है ना, बिल्कुल एडवांस लेवल पे चल रहा है। अब जितने भी वाक्य भी आएंगे ना फ्रेंड्स, सभी एडवांस लेवल के रहेंगे, सामान्य बोलचाल के नहीं रहेंगे। सामान्य बोलचाल पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब जो है ना, अब जो ध्यान दीजिएगा तो एडवांस लेवल पे देखिए। और यदि आपको सरल सरल सेंटेंस चाहिए जिसका रोजाना बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो थोड़ा प्लेलिस्ट में जाइए और पहले देखिए। और नहीं तो फ्रेंड्स, अपना deepadiary.com है, वहां पे देख सकते हैं। दीपा डायरी ऐप है, वहां पे महत्वपूर्ण वीडियो है, वहां भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि स्टेप बाय स्टेप पूरी पकड़ जाते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर deepadiary.com अपना वेबसाइट है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप भी सीख सकते हैं। वीडियो के अंदर कई तरह के कंटेंट है फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर वीडियो है, रोज का क्लासेस है, गाना है, कन्वर्सेशन है, तो तेलुगु पे पूरी पकड़ तो पाके ही रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस सेंटेंसेस, बस पांच ही देखेंगे। इसका प्रयोग रोज नहीं होता है, लेकिन जो होता है ना तो जोरदार होता है। देखिए कौन कौन से सेंटेंस है फ्रेंड्स, इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगी। अब इसका प्रयोग तो रोज नहीं ही होगा ना, इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगी, लेकिन इसका प्रयोग कौन कर सकता है, जिसकी पकड़ पूरी होगी। इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगी, आंखें मत दिखाओ, अब मुझे इजाजत दो, अब मुझे इजाजत दो, ठीक है। अब तक हमने देखा था ठीक है आती हूँ इस तरह से, लेकिन अब मुझे इजाजत दो, इसके बाद मुझसे मत कहना, इसके बाद मुझसे मत कहना, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। प्रयोग थोड़ा ही होता है, लेकिन होता जरूर है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यदि हमें कह रहा है इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगी, या इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगा, तो फ्रेंड्स तेलुगु में जो है ना, हिंदी वाला लफड़ा थोड़ा कम है, जाऊंगा जाऊंगी रहा रही, मतलब अपने लिए जो बोलते हैं ना, उसमें लड़का हो तो भी वैसे ही कहेगा, लड़की हो तो भी ऐसे ही कहेगी, ठीक है। चलिए इशारा कर देना मैं समझ जाऊंगी, अब देखना है इशारा को क्या कहते हैं। इशारा इसको कहते हैं साइगा, साइगा फ्रेंड, ठीक है, साइगा इशारा, इशारा चेस्टे चालू, मतलब इशारा कर देना काफी है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखेंगे ना तो बहुत ऑड टैकल है और हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो तेलुगु लोग जिस तरह से बातें करते हैं ना, हमें वैसे ही बोलना है। साइगा चेस्टे चालू मतलब इशारा काफी है, ठीक है। नेनु अर्धम चेस्कुंटानु मतलब मैं समझ जाऊंगी, अर्धम मतलब क्या होता है, अर्धम अर्धम मतलब होता है समझने के लिए, ठीक है ना। नेनु अर्धम चेस्कुंटानु मैं समझ जाऊंगी, साइगा चेस्टे चालू नेनु अर्धम चेस्कुंटानु, साइगा चेस्टे चालू नेनु अर्धम चेस्कुंटानु, साइगा चेस्टे चालू नेनु अर्धम चेस्कुंटानु, मतलब इशारा कर देना काफी है इशारा, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। चलिए आंखें मत दिखाओ, आंखें मत दिखाओ इसे कहते हैं फ्रेंड्स कल्लू यर्रा। तो फ्रेंड्स कल्लू यर्रा ये दो शब्द है, दोनों को मिलाएंगे तो कलर्रा हो जाता है, ठीक है ना। कलर्रा कलर्रा चयोद्दू, कलर्रा चयोद्दू, तो कल्लू यर्रा चयोद्दू, अब इतना स्लो तो कोई नहीं बोलता फ्रेंड्स, कलर्रा चयोद्दू आंखें मत दिखाओ, कलर्रा चयोद्दू, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाइए, यदि जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है अब मुझे इजाजत दो, अब मुझे अनुमति दो। तो हिंदी में भी अनुमति बोलते हैं फ्रेंड्स, तेलुगु में भी अनुमति बोलते हैं। अब मुझे इका 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 नाकु अनुमति इव्वु, इका इका नाकु अनुमति इव्वु, और फ्रेंड्स अब मुझे इजाजत दीजिए ऐसा बोलना है, ठीक है ना। दीजिए रहेगा, बोलना है दीजिए, रिस्पेक्ट तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे इवंडी इवंडी, ठीक है ना। इका नाकु अनुमति इवंडी, अनुमति तो हिंदी में बोलते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिए कि हिंदी में जैसे अनुमति का प्रयोग करते हैं तेलुगु में करते हैं। इका नाकु अनुमति इवंडी अब मुझे इजाजत दीजिए, इका नाकु अनुमति इव्वु अब मुझे इजाजत दो, ठीक है। चलिए इका नाकु अनुमति इव्वु, इसके बाद मुझसे मत कहना, यदि हमें कहना है इसके बाद मुझसे मत कहना, जो कहना है कह दिया ना, अब इसके बाद मुझसे मत कहना। तो फ्रेंड्स सेंटेंस तो ऐसे ही है, रोज प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन होते जरूर है। इसका प्रयोग कौन कर सकता है, जिसकी पकड़ पूरी मजबूत होगी, ठीक है। इसके बाद मुझसे मत कहना, इसके बाद दीनी तर्वता, दीनी तर्वता इसके बाद, नाकु चेप्पोद्दू मुझसे मत कहना, नाकु मुझसे चेप्पोद्दू मत कहना, दीनी तर्वता नाकु चेप्पोद्दू उसके बाद मुझसे मत कहना, दानी तर्वाता नाकु चेप्पोद्दू, ठीक है, दीन तर्वाता नाकु
चेप्पोद्दु, इसके बाद मुझसे मत कहना। चलिए आगे देखते हैं, समझने की कोशिश तो करो, समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। समझने की अर्धम चेस्कोडान की, अर्धम अर्धम चेस्कोडान की, अर्धम था भटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्धम अर्धम चेस्कोडान की, समझने की अर्धम चेस्कोडान की, प्रतिंचु प्रयत्न है ना, तो फिर प्रयत्निंचु प्रतिंचु प्रतिंचु, ठीक है, अर्धम चेस्कोडान की प्रतिंचु, फ्रेंड देखिए अर्धम चेस्कोडान की प्रतिंचु, समझने की कोशिश करो। यदि हमें कृपया लगा देना फ्रेंड्स, कृपया समझने की कोशिश करो प्लीज प्लीज, तो उसको बोलेंगे दयचेसी దయచేసి దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, है ना, पांच दमदार सेंटेंस जिसका प्रयोग बिल्कुल एक्सपर्ट लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें एक्सपर्ट ही बनना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, फटाफट कमेंट करिए, लाइक करिए, और ये पांचों में कौन सा सेंटेंस आपको सबसे अच्छा और यूजफुल लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।